इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली। ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से सिंगल पीस मेरे पास रेडी हो गया। अब हम पहले से बॉटम से शेप दे देते हैं। शेप दे दी। तो इस तरीके से हमारा ये आ गया। अब 2 मिनट इसे साइड पे रखते हैं, स्ट्रैप बना लेते हैं। स्ट्रैप बनाने के लिए इस तरीके से कपड़ा लिया है मैंने, ये 3 इंच 28 इंच। जस्ट सिंपल इसे फोल्ड करके फॉर्म शीट डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। इस तरीके से इसे और इसे दोनों स्ट्रैप को रेडी कर लिया। ये मैंने दोनों स्ट्रैप को रेडी कर लिया। अब हम स्ट्रैप ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये लेना है। इसका मैंने सेंटर पॉइंट ले लिया। सेंटर पॉइंट से 2.5 इंच इधर, 2.5 इंच निशान इधर लगाया है। अब इस तरीके से स्ट्रैप को रखना है गोल घुमाते हुए इस तरफ। स्ट्रैप को अटैच कर लीजिए, को अटैच कर दिए। एक स्ट्रैप इस तरफ, एक स्ट्रैप इस तरफ, दोनों स्ट्रैप अटैच हो गई। अब इसे रखना है इसके ऊपर इस तरीके से, यहाँ पे रख दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों तरफ इस पे सिलाई, ये मैंने दोनों तरफ इसके सिलाई लगा ली। अब हमें इसका बेस बनाना है। तो जस्ट सिंपल इसे पकड़ना है इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए 1, और सेम उसी तरीके से यहाँ, तो 1 और 2 दोनों मैंने सिलाई लगा ली बेस की, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो देखिए काफी अच्छा इस तरीके से हमारा वाइड इसका बेस बन गया। तो ये हमारा रेडी हो गया। 2 मिनट अब इसे साइड पे रखते हैं। यहाँ ऊपर पॉकेट के लिए हम बनाएंगे। फोल्ड करके इस तरीके से हमारी ये पॉकेट बनेगी। तो 3 पीसेज ये ले लिए। 3 पीसेज हमें जिप चाहिए क्योंकि 3 पॉकेट है। 14.5 इंच की 1, 2 और 3 जिप मैंने ले ली है। इसे हमें साइडों से फिनिश करना है। तो साइडों से फिनिश करने के लिए 2 क्विल्टेड पट्टियां ली है मैंने। ये मैंने ली है 1 1 इंच की और इसकी लंबाई है 14.5 इंच। तो यही हमें चाहिए। तो चलिए हम जिप को अंदर की पॉकेट से रेडी करते हैं। सबसे पहले मैंने इस तरीके से 2 जिप ले ली। इसे इसके ऊपर रखना है इस तरीके से, दोनों सीधी तरफ अंदर की तरफ रखते हुए इस तरीके से रखना है। और यहाँ पे इसके सिलाई लगा, ये मैंने इस पे सिलाई लगा ली, पूरी लंबाई में सिलाई लगा ली। तो 2 जिप हमारी देखिए इस तरीके से अटैच हो गई। अब हमें क्या करना है, इसे ऐसे ही कर दीजिए दोबारा से। इसके हमारे 3 पॉकेट थी, 2 पीसेज हमें इसमें से लेने हैं। 1 पॉकेट का पीस मैंने रख दिया, 1 और 2, 2 पीसेज मैंने ले लिए। अब आपको करना क्या है, एक पीस आपको नीचे रखना है, उस पे जो हमने जिप पे सिलाई लगाई है इस तरीके से, इसे रखना है। और जो दूसरी पॉकेट वाला पीस है उसे इसके ऊपर रखना है। ये देखिए इस तरीके से 3 पीसेज रख दिए। अब यहां से लेके यहां तक इस पे सिलाई, ये देखिए ये मैंने इस पे सिलाई लगा ली। अब हम इसे खोल लेते हैं इस तरीके से। तो देखिए 2 जिप अटैच हो गई, 2 हमारी पॉकेट अटैच हो गई। अब आपको क्या करना है, ये जो हमारा इस तरीके से पीस है इसे उठाना है, सिंपल इसके ऊपर रखना है यहाँ पे इस तरफ, इस वाली जिप के, और यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा ली। ये मैंने इस पे सिलाई लगा ली इस तरफ, एक तरफ सिलाई लग गई। अब ये जो दूसरी वाली पॉकेट है, इस तरफ वाली जिप है, इसे इसके ऊपर रखना है, यहाँ पे इस तरीके से रखना है। ये मैंने रख दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे भी सिलाई लगा ली। तो देखिए इस तरीके से दोनों पॉकेट हमारी इसमें अटैच हो गई, 1, 2 और 2 जिपर अटैच हो गई। अब हम थर्ड वाली जिपर अटैच करेंगे, ये वाली जिपर, और 1 पॉकेट हमारे पास बची है। अब आपको क्या करना है, पहले हम इसे सेंटर में से हाफ कर लेंगे। ये मैंने सेंटर में से अलग कर लिया। 2 मिनट से साइड करते हैं। ये वाला जिप का 3रा पीस ले लीजिए, इस तरीके से रखना है, सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है। इसे यहाँ पे किसी भी तरफ, एक तरफ इसे यहाँ पे इस तरीके से इसके ऊपर रख लीजिए, और इस पे पूरा लंबाई पे सिलाई लगा, ये मैंने सिलाई लगा ली इस तरीके से। अब इसे ऐसे ही रहने दीजिए। और ये जो हमने 2 पीसेस कट किए थे, 1 पीस लेना है इसके ऊपर, यहाँ पे रख दीजिए इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा, ये मैंने सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से देखिए अटैच हो गया। तो देखिए हमारी 3 जिपर अटैच हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, एक पीस हमारा अटैच हो गया था, एक हमारे पास पड़ा है, ये वाला पीस लेना है इस तरीके से। जिप की ये वाली साइड लेनी है, यहाँ पे इस तरीके से इसे रखना है। ये मैंने रख दिया बराबर रखते हुए, यहां से लेके यहां तक इस पे सिलाई लगा, ये मैंने सिलाई लगा ली। तो 3 जिपर अटैच हो गई, 3 पॉकेट हमारी अटैच हो गई। अब हमें क्या करना है, ये जो साइड वाली पट्टियां काटी थी इसे हम लगाएंगे। इसे इस तरीके से रखना है, सीधी तरफ अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ पे रखना है।
यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई, मैंने सिलाई लगा ली इस तरीके से। पट्टी पे हमारी सिलाई लग गई, जैसे पट्टी इस तरफ लगाई है वैसे ही हमें इस तरफ भी लगानी है। इसे रखना है इस तरीके से, ये वाली पट्टी को रखना है इसके ऊपर, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर भी सिलाई लग, तरफ भी मैंने सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से देखिए तीनों जिप लग गई, तीनों पॉकेट लग गई, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ लगी है, अंदर से भी प्रॉपर फिनिशिंग के साथ लगी है, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। अब हमें क्या करना है, तीनों जिप में इस तरीके से रनर डालने, इसमें तीनों रनर इंसर्ट कर लिए, रनर इंसर्ट हो गए, तीनों पॉकेट लग गई। अब हम पॉकेट को लॉक कर देते हैं। अब आपको करना क्या है, इस तरीके से इसे पकड़ना है, देखिए तीनों पॉकेट्स पे हमें सिलाई लगानी है। ये पकड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है। ये वो वाली पॉकेट है जो कटी हुई थी नीचे से, दोनों तरफ सिलाई लगा लीजिए। सेम उसी तरीके से ये दूसरी वाली पॉकेट लेनी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लीजिए। फिर ये तीसरी पॉकेट लेनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच कर लिया। ये मैंने सिलाई लगा ली यहाँ से लेके यहाँ तक टू, ये भी स्टिच कर लिया और ये भी स्टिच कर लिया। तो तीनों पॉकेट्स हमारी, देखिए तीनों जिपर लग गई, तीनों पॉकेट स्टिच हो गई। तो ये हमारे पॉकेट के साथ रेडी हो गया। अब हम इसे मेन बैग के साथ अटैच करें। तो ये जो हमने मेन बैग रेडी करके रखा था, इसके साथ हम थ्री जिपर को अटैच करेंगे। अटैच कैसे करना है, ये जो साइड वाला जोड़ है सेंटर, इसे हमें कंसिडर करना है, इस वाले पॉइंट को रखना है। ये जो तीनों पॉकेट्स हैं इस तरीके से, इसे इस तरीके से फोल्ड कर देना है। और इस वाले, ये जो हमारा है इसका सेंटर, जो जिप का ये सेंटर वाली जिप है और ये जो सेंटर है, इससे हमें इसे मिलाना है इस तरीके से। ये मैंने मिला दिया यहाँ पे, इसके सिलाई लग, ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी। यहाँ पूरी एंड तक नहीं लगाई है, थोड़ा सा इस तरीके से कॉर्नर हमें छोड़ना होता है ताकि हम साइड वाली सिलाई लगा सके। तो एक तरफ से हमारा अटैच हो गया। अब ये जो दूसरी तरफ वाला है, इसे दूसरे कॉर्नर पर रखना है। ये जो हमारा जोड़ है दूसरे वाला, इस कॉर्नर पे रखना है, बराबर रखते हुए सेंटर में लाते हुए। देखिए इस तरीके से ये मैंने रख दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे भी सिलाई लगा, तरफ भी मैंने सिलाई लगा ली। बेसिकली मैंने क्या किया, देखिए ये जो मैंने बनाया था इस तरीके से पॉकेट वाला, उसे इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे साइड पे इस तरीके से देखिए अटैच कर दिया, सिर्फ साइड साइड अटैच किया। अब हमें सिलाई लगानी है यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, जस्ट सिंपल हम इसे पकड़ के सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से पकड़ना है इसे, ये मैंने पकड़ लिया, ये देखिए सिलाई लगानी है यहां से लेके इस कॉर्नर तक वन, और सेम उसी तरीके से इस वाली पट्टी पे, इस वाली पट्टी को भी सेम इसी तरीके से पकड़ना है। ये देखिए यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, दोनों तरफ इस पे सिलाई लगे, सिलाई लगा ली इस तरफ भी और इस तरफ भी। इस तरीके से जो मैंने पट्टी बनाई थी उसे मैंने ये जो इस तरीके से देखिए यहाँ पे पूरा अटैच कर लिया। पहले ये साइड अटैच की, फिर ये दोनों साइडों वाली सिलाई लगा ली। अब हमें क्या करना है, इसमें से एक पॉकेट थी जिसे हमने इस तरीके से कट किया हुआ था, इस वाली पॉकेट की तरफ से हमें इसे सीधा करना है। ओपन वाला पोर्शन है, इसे अंदर की तरफ को फोल्ड करना है इस तरीके से, और इस पे पूरा सिलाई लग, ये देखिए ये मैंने इस पे सिलाई लगा ली। तो हमारी पॉकेट हो गई। अब इसे हम पॉकेट को अंदर की तरफ कर देते हैं। अंदर की तरफ करते हुए अच्छे से सारे इसके कॉर्नर्स निकाल लीजिए। ये देखिए, तो इस तरीके से इसका फाइनल लुक आया, फ्रंट साइड, बैक साइड, वाइड बॉटम, साइड्स, तो काफ़ी अच्छी वाइड साइड बनी है, काफ़ी अच्छा वाइड बॉटम बना है इस तरीके से, काफ़ी अच्छी इसकी स्टिफनेस बनी है। और यहाँ पे देखिए थ्री जिपर है हमारी, वन टू थ्री, थ्री अलग अलग जिपर पॉकेट्स हैं ये देखिए, और जिपर पॉकेट ये देखिए इस तरीके से, और स्पेस भी बहुत ज़्यादा है अंदर की तरफ, देखिए बहुत ज़्यादा स्पेस, खुली पॉकेट है क्योंकि इसका बॉटम बहुत वाइड है। ये देखिए वन पॉकेट, एक पॉकेट सेम इसी तरीके से हमारे यहाँ सेंटर में है बहुत ज़्यादा स्पेस के साथ, टू पॉकेट्स और एक पॉकेट हमारी यहाँ पे साइड में आ गई। ये देखिए बहुत ज़्यादा स्पेस है अंदर इस तरीके से सामान रखने के लिए, थ्री पॉकेट। तो वन टू थ्री, थ्री जिपर पॉकेट हो गए। यहाँ पे हैंडल हो गए देखिए इस तरीके से, ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी हो गया, बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। काफ़ी अच्छे साइज़ में बना है, बहुत ही सिंपल और ईजी तरीके से हमने इसे बनाया, देखिए बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। थ्री जिपर पॉकेट्स के साथ बिल्कुल